कोई हेटरेट नहीं है, वाओ नहीं है, बट हेटरेट भी नहीं है, बिकॉज ये भी यही था और हेली का भी सेम रिएक्शन था। डेफिनेटली अगर हमें स्वरागनी 2 का मौका मिलेगा तो हम करेंगे। दे बोथ आर वेरी ब्यूटिफुल, दोनों का कि नम्मी हो ऐसे लाइक कि तू कर रहा है, मैंने कहा हाँ। तो तेजस्वी का भी यही था और हेली का भी सेम रिएक्शन था, और दे बोथ आर वेरी ब्यूटिफुल एक्टर, ब्यूटिफुल ह्यूमन बींग, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, एक बार भी डाउट नहीं किया। वरना जब हम लोग एक्टिंग करते तब मेरे पे बहुत डाउट करती थी दोनों के दोनों, बट इस बार उन्होंने मेरे पे कोई डाउट नहीं किया एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी। दे आर लाइक कि चल ठीक है ना, इट्स गुड, यू आर डूइंग समथिंग ना, लोग सोचते हैं और बना नहीं पाते, तूने करके दिखाया। सो दे बोथ आर वेरी हैप्पी एंड वेरी सपोर्टिव। मैं टीवी पे आना चाहता हूँ, इट्स जस्ट आई एम वेटिंग एक अच्छे कॉल के लिए, एक अच्छा शो हो, बिकॉज मैं अपनी ऑडियंस को कुछ ऐसा कुछ भी नहीं दे सकता, बिकॉज बड़ी मेहनत से और किस्मत के साथ अच्छे अच्छे शोज़ मिले हैं मुझे, और एक ऑडियंस बन गई है, वो उतनी रिस्पेक्ट वाला अगर कोई शो मुझे मिलता तो डेफिनेटली आई विल कम एंड डू द टीवी। डेफिनेटली अगर हमें स्वरागनी 2 का मौका मिलेगा तो हम करेंगे, बट इस शो की जब ये हवा चली थी मार्केट में, तो मैं किसी शो के लिए रश्मि शर्मा प्रोडक्शन में गया था फॉर द मॉक शूट, तो वहाँ पे हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे मिला था। तो अब मैंने उनसे पूछा कि सर ये जो हवा चल रही है मार्केट में क्या है, तो कह रहे वो हवा ही है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है एज सच अभी तक, क्या पता फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, बट अभी तक ये आई थिंक इट्स अ फेक न्यूज़। सी जेन्युइनली मुझे ना बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, अभी तक भी कोई हेटरेट नहीं है, वाओ नहीं है, बट हेटरेट भी नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अ पैपी सॉन्ग, इट्स अ मोटिवेशनल रैप। जब जब जिस जिसको उस गाने की ज़रूरत पड़ती है, जब जब कोई लाइफ में लो फील करता है, तो वो गाने को सुन के ही फील्स बेटर, और जिस जिसने भी वो गाना सुना है क्या कर रहा है तू, उस वो रिलेट कर पाया अभी तक मेरे सर्कल में, तो अभी तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही है एंड आई फील कि पॉजिटिव ही आएगा, बिकॉज उसमें एज सच मैंने मतलब मुझे सेल करने के लिए नहीं बनाया है, मैंने सिर्फ लोगों को एक अच्छा एक मैसेज देने के लिए बनाया है, तो जिसको वो मैसेज अच्छा लगेगा इट्स ओके, नहीं लगेगा इट्स ओके। यार मुझे रैप में रैपर नहीं बना हूँ, और ये बस ये था कि मेरा एक फ्रेंड था दिल्ली से, उन्होंने मुझे 3-4 बारी बोला कि कुछ करते हैं, तो मैं एक्टर था, तो मैंने बोला कैसे क्या करूँ, मैं आपकी क्या कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, बट स्टिल मैंने उन्हें अपना आइडिया शेयर किया कि यार फ्यूचर में जब भी मैं फ्री होऊंगा तो दिस इज़ माय आइडिया, दिस व्हाट आई थिंक अबाउट द लाइफ, कि क्या कर रहा है तू, तुझे खुद को ना पता। जस्ट मेरा पॉइंट था कि जी ले खुल के ज़िंदगी, ये वक्त कभी नहीं आएगा, मेहनत भी करो आगे भी बढ़ो, मेहनत तू कर अपनी किस्मत से लड़, और कर दे हकीकत जो सपने थे कल अपने, बनते थे कल उनको जाने दे भलते में, पास अब आ जाएंगे जो छूटे थे कल। तो मेरा पॉइंट ये था कि लाइफ में यार तुम एक सिंगल आए हो, जियो, जो अपने कर्तव्य है वो निभाओ और मेहनत करो, अगर मेहनत सफल नहीं भी हो रही तो यार बुरा मत मानो और वापस ट्राई करो। तो ये सब मेरा लाइफ को लेके सोच है, तो ये मैंने उससे शेयर की, तो बात करते 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 हम लोग ये स्टेज पे आ गए कि ये गाना बन गया। फिर मैंने ये गाने को गाया, तो गाने में मज़ा नहीं आया, तो फिर मैंने कहा अब ऐसे कैसे। तो मुझे आई थिंक बचपन से ही पसंद है चैलेंजेस, तो मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और फिर मैंने ये गाना गाया, तो ऐसे ही जर्नी स्टार्ट हुई। यस मतलब ये गाना करने के लिए मेरे पास ये सब मोटिवेशंस है। रणवीर सिंह सब करते हैं, गाना भी गाते हैं, एक्टिंग भी करते हैं और डांस भी करते हैं, और इन्फ्लुएंसेस की तरह भी कभी कभार हो जाते हैं, वाइल्ड लाइफ जो उनका एक शो है वो भी करते हैं, तो ही इज़ डूइंग एवरीथिंग, अतरंगी कपड़े भी पहनते हैं, तो उनको इस प्लानट पर वो मज़े करने आए हैं, उनकी लाइफ देख के मुझे ये समझ में आया। तो मैंने कहा यार इट्स गुड थिंग, अपनी सोच मैच हो रही है, तो मुझे एक समझ में आया कि यार इस तरीके से करना चाहिए, वाई नॉट। तो फिर मैंने भी सोचा कि करो यार, जो है लाइफ है, एक लाइफ है, एक ही लाइफ है, जियो जी भर के और ट्राई करते रहो और मज़े करते रहो।